सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार माइला साहब में विशाल समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री गुरुद्वारा साहब को विशेष रूप से सजाया गया। पल्लू क्षेत्र में दोरों के बीच स्थित इस गुरुद्वारा साहब में रविवार को हनुमानगढ़ व रावतसर सहित अनेक जगहों से सिख संगत ने पहुंचकर शीश नवाया। बाहर से बड़ी संख्या में संगत के माइला साहब पहुंचने पर पुष्प वर्षा के साथ संगत का स्वागत सत्कार किया गया। सिख संगत के पहुंचने के बाद पूरा माइला गांव वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वह जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारों से गुंजायमान हो गया। संगत के पहुंचने के बाद श्री गुरुद्वारा साहब में रखे गए दो अखंड पाठ साहब का भोग डाला गया। इसके बाद रागी गोपाल सिंह हनुमानगढ़, ज्ञानी छिंद्रपाल सिंह बुड्ढा जोहड़ वाले, मास्टर महेंद्र सिंह, मास्टर निर्मल सिंह ने गुरुवाणी के साथ साध संगत को निहाल किया। इसके उपरांत गुरु का अटूट लंगर संगत में बरताया गया। संगत ने पंगत में बैठकर गुरु के लंगर का आनंद उठाया। रेतीले दौरों के बीच हर वर्ष यह समागम धूमधाम से किया जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ से माइला साहब पहुंचने वाली संगत के लिए बसों का प्रबंध हर वर्ष श्री हरिकिशन पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ के चेयरमैन जसपाल सिंह द्वारा की जाती है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सेवादारों को सरोपे भेंट किए गए। सिख संगत के अलावा इस गांव के आसपास के लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस गांव में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार स्थापित होने के बाद माइला गांव का नाम लोग आदर के साथ माइला साहब लेने लगे हैं। इस मौके पर मुख्य सेवादार बूटा सिंह थानेदार, प्रधान मोहन सिंह रेंजर, जर्नेल सिंह तुरी, गुरचरण सिंह रामगढ़िया, बुद्ध सिंह, जीत सिंह, नवीन सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख संगत मौजूद रही।